अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो जादुई कनेक्टर के हवाले से है। अभी आप सोचेंगे जादुई कनेक्टर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जादुई कनेक्टर क्या है और कैसे काम करता है। ख़ास तौर पर ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनके पास बजट कम होता है, जो अपने लो बजट में ब्रांडेड पीसी तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो इश्यूज फेस होते हैं वो नॉर्मली 90% इस तरह होता है कि आपकी जो पावर सप्लाई होती है वो 8 पिन होती है, उसके साथ आप कोई भी 580, 570 या छोटा कार्ड उस पर जो 4 GB टू 8 GB आप उसको नहीं लगा सके, जिसके लिए आपको केसिंग भी रिप्लेस करनी पड़ती है और कस्टम पीसी के ऊपर आपका ऑप्शन बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये जादुई कनेक्टर क्या है। ये आपके सामने ये देखें, ये 24 पिन और ये 8 पिन, ये वर्किंग किस तरह करता है ये भी अभी आपको मैं कनेक्टिविटी इसकी दिखा देता हूँ। ये अभी 3020 9020 मैनी मोर जितना पीसी हैं इस तरह के, जिनके अंदर 4 पिन पावर सप्लाई होती है, 4 पिन कनेक्टर पावर के लिए, तो उसको ये कन्वर्ट करके 24 पिन में आप इसको लगा सकते हैं। नॉर्मली 24 पिन होती है वो 500 550 600 उसमें ऑप्शनली होते हैं कि आप वाटेज ज़्यादा कर सकते हैं बड़ा कार्ड चलाने के लिए, गेमिंग करने के लिए। और जो ये इसकी नॉर्मली पावर सप्लाई होती है जो 8 पिन होती है वो 250 300 तकरीबन नॉर्मली इतनी वाटेज के साथ होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी हमने एक पीसी तैयार किया है 3020, ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, हमने इसमें 600 वाट पावर सप्लाई लगाई है और 588 GB का ग्राफिक कार्ड लगाया है, जो कि गेमिंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अभी आप देखें कि ये बोर्ड को जो कनेक्ट कर रही है ये 8 पिन ही है, और ये जो हमने यहाँ से इसको कन्वर्ट किया ये नॉर्मली पावर सप्लाई थी जो हमने इसके साथ अभी इसको कनेक्ट किया। इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये हीट अप तो नहीं होता, ओवरऑल मैं आपको मज़ीद वीडियो में दिखा देता हूँ इसकी कनेक्टिविटी और इसको वर्किंग इसकी किस तरह है। मैं आपको ऑन करके भी पीसी दिखा देता हूँ इसको। ये अभी ये मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ इस पीसी के साथ, ये आपको दिखाते हैं थोड़ा क्लोज। ये देखें ये 8 पिन कनेक्टेड है, इसमें अभी आप ये देखें 24 पिन इसको आप नहीं लगा सकते। तो इस कनेक्टर का बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप इसको कन्वर्ट करके 24 पिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला आप इधर लगाएंगे, इसके साथ कट होता है, ये लेफ्ट राइट दोनों साइड आपको पता चल जाएगा ये कट है, इस कट के साथ ये कट आएगा, ये आप यहाँ कनेक्ट करेंगे इसको, और जो सेकंड वाला है जो 8 पिन है वो एज इट इज़ आपने बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। अभी हम इसको ऑन करेंगे और ये देखें बहुत क्लीन इसकी कन्वर्टिंग हुई पड़ी है, कोई इसमें ज़्यादा तारे नहीं है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकेंगे, नॉर्मल कोई भी इशू नहीं है इसमें। अभी इसको मैं पावर देता हूँ, इसमें 588 GB अभी हमने लगाया हुआ, ये 600 वाट पावर सप्लाई के साथ रेडी किया हमने। ये अभी ऑन किया, ये सामने स्क्रीन पे आप देखें ये पीसी हमारा ऑन है। ये अभी विंडोज़ में जाता हूँ, मैं आपको इस पर एक्सेस की दिखाता हूँ हमने इस पर कौन सा कार्ड लगाया हुआ है। ये अभी विंडोज ऑन होगी, इसमें अभी देखें आप, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा 588 GB पे गेमिंग भी कर सकते हैं, रेंडरिंग भी कर सकते हैं, इजीली कोई इशू नहीं है इस कनेक्टर के साथ, और कोई हीटअप नहीं हो रहा। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट में इसमें कि उस पावर सप्लाई में जो कनेक्टर आता है वो बोर्ड से आता है, जिसमें मुश्किल से 3 साड़ होती हैं, और जब आप नॉर्मल कोई भी स्टैंडर्ड पावर सप्लाई लगाएंगे तो वो तकरीबन 8 कनेक्टर 9 कनेक्टर तकरीबन उसमें 60 में ये ऑप्शन होते हैं जी। मैंने अभी आपको इसकी कनेक्टिविटी ये किस तरह काम करता है ओवरऑल मैंने वीडियो में आपको शो करा दिया है। इस जादुई कनेक्टर को परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं शाकिर ट्रेडर.pk। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।